जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10, मैं हूं अनुषे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हेल्थ टीवी इस हफ्ते ऑब्जर्व कर रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक। बच्चों के हवाले से जितनी सारी चीज़ें, उन सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने जल्दी कवर कर सकें, जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें, बेसिकली हमारी कोशिश यही है। आज इस चीज़ पर हम थोड़ा सा एम्फेसिस डाल रहे हैं, वो है चाइल्ड अब्यूज़ हरासमेंट। फिज़िकली उनको जो अब्यूज़ किया जाता है, स्कूल में मारम पीटी हो गई, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना, पेरेंट्स की नेग्लिजेंस, लाइक आई सेड, बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे पास तीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर सैयद मोहम्मद अली बिलगामी साहब से, उस द प्रोग्राम मैनेजर दी आज़ाद फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर यहाँ पर आने का। जी, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिस नुज़्ज़त शाह, हु इज़ एन एडवोकेट एट द हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वेलकम टू द शो। एंड नुज़्ज़त साहिबा के साथ हैं मिस अफीफा मसूद, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेल, थैंक यू वंस अगेन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने का। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज़ाद फाउंडेशन स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ बहुत ज़्यादा काम करता है जी। बेसिक व्हाट इज़ द वर्क दैट यू डू सबसे ज़्यादा? स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना, उनको काम दिलवाना, या फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको? बेसिकली अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें, ठीक है, तो देयर आर टू एरियाज फॉर वी वर्क। ठीक है, नंबर वन इज प्रोटेक्शन। ठीक है, इमीडिएट जो प्रोटेक्शन नीड्स हैं उनको एड्रेस करना। ठीक है, और उनकी बहाली की तरफ, रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन की तरफ लेके जाना, ठीक है, थ्रू आवर सर्विसेज। सेकंड थिंग इज प्रिवेंशन, के जो स्ट्रीट पर आने के एड्रेस हैं, ठीक है, उनको रोकना, ठीक है, अवेयरनेस रेजिंग के जरिए, इंफॉर्मेशन प्रोविजन के जरिए। दीज आर फर्दर, इसको भी डिवाइड करें सर्विसेज में, फिर हम लोग जो दे रहे हैं प्रोटेक्शन सर्विस। स्ट्रीट चिल्ड्रन तो है हर जगह है, हम हमेशा देखते, तो आप उनको, यू पिक देम अप रैंडमली? कि ऐसे नहीं, ये बच्चे ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, ये बच्चों की हालत बेहतर लग रही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन फिर उनकी कैटेगराइजेशन के हवाले से नीड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे जो वो बच्चे जो स्ट्रीट लिविंग है, ठीक है, उनकी नीड्स कुछ और हैं, स्ट्रीट वर्किंग की नीड्स कुछ और हैं, ठीक है, स्ट्रीट वर्किंग लेबर किसी और उसमें आ जाता है, एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो फिर उसमें ये भी आता है कि वी डोंट जस्ट पिक देम अप। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के हवाले से अवेयरनेस देते हैं, ठीक है, एंड देन वी यू नो ब्रिंग देम इनटू द ट्रांजिट फेज। बिल्कुल, ठीक है, फिर फैमिली ट्रेस करके फैमिली के साथ रीयूनाइट करते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि बच्चे जो है, उनकी जो फैमिली जो है, वो ये हेल्प चाहती नहीं है। बहुत सारे जो हमारे एनजीओ हैं यहाँ पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि चलो बेटा स्कूल चलो, हम स्पॉन्सरशिप भी ढूंढ देते हैं कि वो स्कूल जाए, लेकिन उनके जो वालदैन हैं वो कहते हैं नहीं, ये ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि ये यही करे सिग्नल्स पे और ये काम वाम कर ले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में क्या फायदा। दैट एक्चुअली ब्रिंग यू टू द इशू ऑफ चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज, हां, ये भी एक तरह का अब्यूज ही है। एग्जैक्टली, नेगलिजेंस इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ चाइल्ड अब्यूज। नेगलिजेंस क्या है? नेगलिजेंस यही है कि पेरेंट, केयर गिवर, ठीक है, जो भी है, वो बच्चे की इमीडिएट नीड्स पूरी नहीं करे, नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक करे, और पूरी ना करने के नतीजे में बच्चा जो है becomes in way of harm. बिल्कुल, of course you're putting your own child in the way of harm. ये चीज होती ही घर से शुरू है। बिल्कुल, घर, बच्चे की इब्तिदा कहाँ से होती है? उसके घर से, उसकी माँ की गोद से होती है। और जब फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा होता है, ये बिल्कुल आपने सही बात की, और ये पॉइंट आउट करना ये बहुत ज़रूरी है कि ये फैमिली में से ही बड़े जो हैं उस घर के, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके गार्डियन हैं, उनको ही ये शौक नहीं है। बच्चों का ये प्रॉब्लम ही होता है कि उनके पेरेंट्स भी, उनको भी कोई होश नहीं होता शायद। होश नहीं, उन्हें सब होश होती है, होश होती है, बिल्कुल होश होती है, उन्हें पता होता है कि उनको अपने बच्चे से काम क्या लेना है। एग्जैक्टली, वो अर्न कर रहे हैं, यू नो, वो अर्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से करें। अब एक कॉमन मैन है, मतलब मैं अपने बच्चे को रोड पे नहीं आने दूंगी कि भाई वो रोड कैसे क्रॉस करे। हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चे की उंगली पकड़ के रोड क्रॉस कराएं, लेकिन वो अपने बच्चे को रोड पे छोड़ देते हैं कमाने। इतने छोटे होते हैं वो, जब आप कभी कभी सिग्नल्स पे होते थे, एक हाथ नजर आ रहा होता था, सर भी नहीं पहुंचा होता है खिड़की तक। तो ये घर वाले होते हैं जो उनको रोड पे लेकर आते हैं। बिल्कुल, फिर घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात फिर बच्चे खुद भाग जाते हैं। लॉ के हवाले से बात करते हैं, बाहर किसी भी मुल्क में अगर ऐसा हो तो हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि मैंने किसी माँ को मारते हुए देखा है, और ये रही इनकी गाड़ी का प्लेट नंबर, कि आप ट्रेस कर लें। ये भी नहीं कर सकते पब्लिकली, हमने बच्चों को थप्पड़ भी मार दिया गलती से, कि बच्चा जो भी कर ले तो आप जेल जा सकते हो। यहाँ पे ऐसे लॉज हैं?
नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पेरेंट्स जैसे चाहें बच्चे को रखते हैं, बच्चों को उन्हें लुक आफ्टर करना है तो कर रहे हैं, नहीं करना है नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। हाँ, पब्लिक में अगर कोई और कर देगा, उसको थप्पड़ मार देगा बच्चे को, सपोज मैंने कितनी मरतबा बच्चे देखे वो फिर रहे हैं और यूँ करके मैंने गाड़ी रोक के और उनको पकड़ के और डांटा और उनको कहा कि भाई आप जाके कोने पे खड़े हो, मतलब खौफ आता है कि एक छोटा सा बच्चा है और फिर अगर उसके पेरेंट्स भी वहीं इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, वो लोग भी उसके पेरेंट्स भी वही काम कर रहे होते हैं, ये बताइए नज़र साहब सॉरी कि ये क्यों लॉज, मतलब प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लॉज नहीं है, कानून कवानीन क्या? ऐसे बच्चों की घर के जहाँ से हम फैमिली का एनवायरनमेंट अगर देखें तो वहाँ उसके लिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि कोई बाकायदा कानून हो जिसमें आप जाएं। हाँ। और जैसे कि अभी आपने कहा कि फॉरेन कंट्रीज में है कि बच्चा खुद कॉल करके बता सकता बता है, सकता है। इनफैक्ट बच्चों को स्कूल में ट्रेन भी किया जाता है, बिल्कुल ट्रेन किया जाता है, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा हो तो आप स्कूल फोन करें, बस स्कूल वाले। यहाँ की जो फैमिलीज वहाँ जाती हैं वो सबसे ज्यादा खौफज़दा हो जाती हैं अपने बच्चे से, और देसी लोग काफी फंसते हैं, जबरदस्ती शादी करवा दी तो मारा पीटा होती है। ठीक है अफीफा साहब, आप आते हैं जल्दी से, स्कूल में भी टीचर्स, यू एन एजुकेशनिस्ट योर सेल्फ, मैंने खुद देखा है और हम लोग तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत इरेस्पॉन्सिबल है, मारना बच्चे को, एम्बेरस करना, चलो मुर्गा बनो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये साइकोलॉजिकली 5-6-7 साल के बच्चे के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। मुर्गा बनो और एक जो कान पकड़ के, कान पकड़ते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, अभी चेंज बदला है। वो ड्रेसिंग रूम में बात कर रहे थे कि काउंसलर्स भी स्कूल में हायर किए जाते हैं, वेरी गुड, स्पेशली जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ वहाँ पे बाकायदा बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, बट दिस इज द बैरियर, राइट? या दैट इज बैरियर, बैरियर, ठीक है। बट स्टिल ये है, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसे केसेस हैं जहाँ के हमें पता चलता है कि बच्चों को कितनी बुरी तरह से उनको फिजिकली हिट किया जाता है। टीचर्स की ट्रेनिंग ये होती है कि ठीक है मेरे पास एक डिग्री है तो मैं पढ़ाने के लायक हूँ, लेकिन टीचर्स को तो पूरा दे शुड नो हाउ टू, आपको किस तरीके से सोशल सर्विस करनी चाहिए, किस तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। टीचर इज अ काउंसलर, टीचर इज एन यू नो अ काइंड ऑफ आर्टिस्ट रादर, आई से, बिल्कुल, बिकॉज़ आपको अपने ऊपर पुट ऑन करना है, 2+2=4 नहीं, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, जूते कैसे रखने चाहिए, सफाई का, फ्रॉम ए टू जेड यू हैव टू बी केयरफुल। पहले टीचर्स जो थे दे वर लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स होते थे, हमें हमें बैठना तक भी, हमें मुझे याद है आज भी कि हमें बैठना किस तरह है, बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेसअप होना है, अपने ड्रेस को कैसे कैरी करना है, ये सब हमें हमारे टीचर्स भी बताते थे, किया जाता था, इंडिविजुअली आपको दिया जाता था, एक एथिकल ट्रेनिंग भी होती थी, एग्जैक्टली। बट स्टिल आई बिलीव कि ये चीज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन खत्म हो गया, नहीं, मेरे ख्याल के 90% ये चीज खत्म हो चुकी है। नहीं, आई वुड डिसएग्री हियर बिकॉज़ आई मायसेल्फ हैव विटनेस्ड कि माशाल्लाह बहुत से कलीग्स हैं और बहुत से टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं और बच्चों का कम है, फिफा साहब कंपैरेटिवली इट इज लेस, या बट आई यू टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज क्लास, हम स्ट्रीट क्राइम की दोबारा बात कर, स्ट्रीट क्राइम या स्ट्रीट चिल्ड्रन की दोबारा बात करते हैं, तो उनके साथ तो मैंने बाकायदा देखा है कि एक छोटी लड़की जो है शी वाज बेगिंग एंड दिस मैन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसे छेड़ा था, 10 साल की होगी, मैं सोची थी इसके दिमाग में क्या, ये तो उसको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती कि इसके साथ हो क्या रहा है। 73% ऑफ स्ट्रीट वर्किंग गर्ल्स दे फेस हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज, बिल्कुल, डेली बेसिस पे दे डू, they do and we don't talk about it because we don't talk about it and do cheezon ko main thoda sa agar if I can share my two cents sirf agar hum ye kahe ki school setting ke andar aapka kaan marona ya physically bacche ko jo hai hit kar dena, hit karna, this is not just the issue there, theek hai, bullying, it's a very grave psychological issue. Bullying, psychological moti, emotionally moti, it wo traumatize a child, bilkul. Child gets afraid going to school, that's true, because of bullying. Secondly, jahan baat kar rahe the laws ki, theek hai, aur families ya parents ka jo hai iske andar kasoor hai, theek hai, it's not just that, family agar bacche ko bhej rahi hai sadak ke upar kaam karne ke liye, theek hai, what is forcing the family, because there is no social protection mechanism bilkul for the family to support its child, ye bhi to state, where is the family go wrong, this is a very good topic actually, because kal bhi humne yehi baat ki thi ki bachchon ki protection apni jagah hai, maa baap ko khud hi nahi pata hota ki wo kis tarike se unko tarbiyat de rahe hain, to uske bare mein thodi si baat karenge ki parents ko bhi educate karna chahiye, ek class shayad maa baap ke liye bhi honi chahiye schools mein, theek, isme mazid baat karte hain, hamare guest hamare sath hain, abhi is waqt hame jana hai ek chote se break pe, we will see you right after this.